हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में और मैं अरविंद मिश्रा। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गॉसियस थ्योरम, गॉस का प्रमेय अथवा गॉस लॉ, गॉस का नियम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपना नोटबुक निकाल लें, पेन निकाल लें, साथ साथ लिखना भी शुरू करें। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर कहीं से प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखवा करें, साथ ही साथ वीडियो को डाउनलोड करने के बाद देखें। उसका ये फायदा होता है कि आपको साफ दिखता भी है और आप अपने अनुसार चलाएंगे, नेट चले या न चले। तो चलिए बात करते हैं गॉसियस थ्योरम। गॉसियस थ्योरम है क्या? तो गॉस ने ये बताया कि किसी एक समान वैद्युतीय क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए बात करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहां पर एक कोई, हमने इस तरीके से कोई पृष्ठ लिया। अब कोई पृष्ठ का मतलब इसका शेप कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बनाया वैसे हो सकता है, एक स्फेरिकल हो सकता है, सर्किल हो सकता है, वेलन हो सकता है, जो भी है। एक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ हमने लिया। अब इस पृष्ठ में क्या है कि मान लिया जाए कि यहां पर हमने एक क्यू आवेश रख दिया। सपोज दैट यहां पर हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया। तो इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत फ्लक्स होगा, अच्छा वैद्युत फ्लक्स आपको पता है वैद्युत बल रेखा ना, तो यहां से कितनी, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वह कितनी होंगी? तो गॉस ने यह बताया कि यह होगा फाई इज इक्वल 1/ε0 गुना होता है किसके, क्यू के। या हम इसी को लिखेंगे फाई इज इक्वल q/ε0। यही गॉस का प्रमेय है या गॉस का नियम है। सो नोट करें आप लोग, नोट में क्या, नोट में आप लोग क्या लिखेंगे, पहले गॉस का नियम लिखेंगे। तो गॉस का नियम चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए कि वैद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यदि यदि पृष्ठ के भीतर या पृष्ठ ऐसे लिख सकते हैं, या पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू है तब कुल वैद्युत फ्लक्स, तब ये क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स या टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, वह 1/ε गुना होगा किसके, इस क्यू के। अर्थात फाई ई बराबर q/ε0। आपको पता है ये जो क्यू होता है, ये क्यू तो ये क्या चीज होता है, ये टोटल चार्ज है। और ε0 क्या चीज होता है, निर्वात के विद्युतशीलता होता है। इसका मान सबको पता है 8.85 × 10^-12 और क्या चीज, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो इसको नोट कर लें। अब इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, इसी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे गॉसियस थ्योरम को। चलिए प्रूफ करते हैं कि यह कैसे प्रूफ होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए बस कुछ स्टेप सीखिए, और इसको प्रूफ करना आप सीख गए तो आगे जो इसका अप्लीकेशन होगा वह बहुत ही आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है उसको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि यह एक स्फेयर है, यानी कि यह एक गोला है, और इसका जो रेडियस है वह कितना है, आर है। इसका रेडियस कितना है, आर है। यह है इसका सेंटर, सपोज कर लो इसका सेंटर ओ है, और इस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। अब हम इतना मानने के बाद ये मानेंगे कि माना इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए है। इस टोटल का जो क्षेत्रफल है वह तो ए होता है, टोटल जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। तो हम इस कल्पना कर लिए
कि इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्र पर छोटा सा हमने लिया और इसका नाम दे दिया कितना, डी ए। डी ए को क्या कहते हैं, क्षेत्रफली अवयव कहते हैं। और हमने ये माना कि जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है वह भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। और जो क्षेत्रफली, जो इस तरीके से जो यहां से जो क्षेत्रफल अवयव डी ए का डायरेक्शन है वो भी इधर, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हमेशा हमेशा आपको जब एप्लीकेशन भी मैं पढ़ाऊंगा तो हमेशा आपको यही करना होगा कि पहले जो भी शेप दिया रहेगा उसका हम एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे और ये मानते हैं कि क्षेत्रफली अवयव डी ए और ई दोनों एक डायरेक्शन में। क्षेत्रफली अवयव डी ए का मतलब ये कि जैसे एक बड़ा सा क्षेत्रफल है तो उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लिए हैं, तो छोटे से पार्ट को जोड़ते जोड़ते अगर जोड़ दिया जाएगा तो इस टोटल के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो ये आप फिगर बनाएंगे कैसे, अब मानना क्या है आपको, मानेंगे कि माना स्मॉल आर त्रिज्या के एक एक गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश आवेश रखा गया है। ठीक, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, P है। ठीक है, P है जिस पर क्षेत्रफलीय अवयव DA व वैद्युतीय क्षेत्र E का दिशा समान है, या वैद्युतीय क्षेत्र E एक ही दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में है का मतलब थीटा बराबर जीरो होगा। इसलिए अब यहां लिखेंगे आप, इसलिए क्षेत्रफलीय अवयव डी ए से गुजरने वाला या निकलने वाला वैद्युत्य फ्लक्स क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल ई वेक्टर ई इंटू डी ए। ठीक, अब थोड़ा सा समझना आपको यह है कि हम पहले इस क्या करते हैं, छोटे से अवयव के कारण निकालते हैं। अब कहेंगे आप सर ये डी फाइव फाई से डिनोट करते थे, डी फाइव क्यों लिखते हैं, हाँ जब पूरे आप इस पूरे क्षेत्रफल से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो वहां फाई ई होगा, लेकिन अगर छोटे से क्षेत्रफल से निकल रहा है तो भाई छोटा सा वैद्युत फ्लक्स भी तो होगा, जहां डी लग जाए वो एलिमेंट होता है छोटा सा। अच्छा, और आप पहले से पढ़ चुके हैं कि जो फाई होता है वह ई डी ए होता है, आपने ये पढ़ा है कि फाई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है, या आपने ये पढ़ा ए होता है। तो हम छोटा सा अवयव लिए हैं तो उसको हमने क्या लिख दिया, डी ए लिख दिया। अब हम ये लिखेंगे कि अतः पूरे गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा जी, तो वैद्युत फ्लक्स टोटल निकालना है। तो ध्यान दें, आगे इस इंटीग्रेशन कर देते हैं, जब टोटल छोटे से अवयव के कारण हम क्या पहले इतना निकाल लिए इस फार्मूले के कारण, भाई क्षेत्रफल छोटा है तो हमने डी ए कर दिया। अब इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो टोटल में जब करोगे तो डी हट जाएगा, टोटल के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, फाई ई, और आप इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा देखिए, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ई इंटू डी ए कॉस थीटा, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ई ए
कॉस थीटा। अच्छा अब देखिए हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल यह हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, या फिर हम लिख पाएंगे फाई ई इज इक्वल इंटीग्रेशन आप जब करेंगे या ऐसे देखिए ई को आप बाहर कर दीजिए और ये डी ए है ना, तो डी एक मिनट, इसको आप यहां क्या कर दीजिए समीकरण नंबर एक, क्या कर देंगे समीकरण एक लिख दीजिए। अब हम क्या मानते हैं, अब हम ये मानेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र। अच्छा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हम इसका तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वैद्युत क्षेत्र क्योंकि आपको ई की जरूरत है डीए की जरूरत है, तो ई कैसे निकलेगा, तो ई का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाता है ई इज इक्वल 1/4πε0 और क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से अगर ये रेडियस आर है तो ये वाला भी यहां से पी की दूरी कितना होगा आर होगा, तो ई का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया। या फिर देखिए हम लिखेंगे ई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रख दीजिए तो फाइनली हमको क्या मिलेगा ई इज इक्वल इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर और ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, या फिर हम इसी को लिख पाएंगे ई सॉरी यहां फाई लिखेंगे ना, ये फाई ई हो जाएगा, यानी कि हो गया फाई ई इज इक्वल ये 1/4πε0 और ये क्यू अपान आर स्क्वायर को आप बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन किसका करेंगे डी ए का। अच्छा ये कॉस थीटा को, ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो ई वो डी ए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए यह एक दूसरे से क्या होंगे, मतलब कॉस से जीरो अंश बनेगा, उसका मान एक हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसका निकालेंगे, अब टोटल का मतलब इसका पूरा एरिया, ठीक है ना, अब से समझें 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है, क्यू जो आवेश रखा गया वह भी कांस्टेंट है, आर जो गोले का त्रिज्या वह भी तो कांस्टेंट होता है, तो जो चीजें कांस्टेंट होता है उसका न तो समाकलन होता है और न ही अवकलन होता है, तो उसको हमने बाहर कर दिया। अब हमको इंटीग्रेशन किसका करना है डीए का, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन आप डीए जो होता है ये किसका एंट्री के क्षेत्रफल है, तो ये किसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr2। इसलिए फाइनली जब आप देखेंगे तो इसको नोट करें, जल्दी नोट करें फिर मैं बताता हूं, फाइनली जो आएगा अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कैसे कि अब यहां आ जाएगा कि इसलिए फाई ई इज इक्वल 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4πr2। यहां समझ में आ रहा है ना सबको, ये इंटीग्रेशन डीए का मतलब ये होता है कि जैसे छोटा सा क्षेत्रफल हमने डीए लिया है, लेकिन जब आप पूरा टोटल का करेंगे ना तो टोटल का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा 4πr2 हो जाएगा। भाई ये गोले का टोटल क्षेत्रफल 4πr2 होता है ना, तो बस उसके अनुसार अब देखिए अब सॉल्व करेंगे तो ये 4π से ये 4π कैंसिल, r2 से ये r2 कैंसिल, फाइनली आपको मिलेगा फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस का प्रमेय है, मतलब यही गॉस का नियम है, ठीक है ना। चलिए एक बार और भी समझते हैं, एक बार और ये समझते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, माना इसके पृष्ठ पर एक बिंदु पी है जिस पर क्षेत्रफलीय अवयव डीए, मतलब इस टोटल गोले का छोटा सा क्षेत्रफल हम निकाले हैं डीए, तथा वैद्युतीय क्षेत्र ई एक ही दिशा में है, उस कंडीशन में क्या फायदा होता है कि जो कॉस थीटा होता है उसका वैल्यू हम ओवन रख देंगे।
अब क्या आता है तो लिखेंगे क्षेत्रफलीय अवयव DA से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि टोटल से अभी नहीं निकालना है, हम इतने से निकालना है कि कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो हमने लिखा E इंटू DA यानी कि EDA cos थीटा। अब यही आप cos थीटा का वैल्यू 1 रख सकते हैं या फिर यहां रखिए कहीं रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखेंगे तो अच्छा ये DA से निकल के आ गया, ये कहां से आया है डी फाई ई मतलब छोटे से के कारण आया। अब देखेंगे पूरे गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो पूरे गोले के लिए हमेशा आप क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए पूरे का के कारण पता चल जाएगा। आज हम बहुत ऐसा करेंगे और समझ में आएगा। अब हमको E की जरूरत है DA का जरूरत है, ये तो cos थीटा भी 1 कर देंगे। अब आता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए 1/4πε0Q/r² होता है। अब जो E का मान है वो इस समीकरण में रख दीजिए, तो जब आप इस समीकरण में रखेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब इंटीग्रेशन उसी का किया जाता है जो वेरिएबल क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू बदलता है। तो हमने क्या किया कि यह जो चीजें कांस्टेंट थी उसको बाहर कर लिया, इसमें केवल ये जो चर राशि होगा वो डी है, क्योंकि जब आप इसकी इतने के कारण निकाल रहे हो कि आगे गोले के कारण निकालो केवल ये चेंज होगा। और हम ये जानते हैं जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि टोटल लगाएंगे ये टोटल जो वैल्यू आता है 4πr² आता है। इंटीग्रेशन यही बताता है कि टोटल कितना है, तो हमने जाना गोले का जो क्षेत्रफल है 4πr² है। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे ये cos थीटा कैसे हट गया, तो यहां समझ सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा थीटा बराबर 0 बनेगा और ये cos 0 अंश का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे इसमें पुट कर दिए, जब पुट करेंगे 4πr² वैल्यू हमने रखा इस 4π इसकी जगह पर तो हमको मिल गया ये। फाइनली यही गॉस का नियम है, ठीक है ना। तो इसको नोट करें फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाया जाए। हो गया तो नोट हो गया। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 17.7 pC आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अच्छा इसमें हम को क्या निकालना है प्रत्येक सतह, जैसे ये कह रहा है कि अगर मान लिया जाए यह एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होती है 10 सेमी। सपोज कर लिया जाए कि यहां पर एक हमने घन ऐसे बना लिया और इसका प्रत्येक भुजा जो है वो कितना है 10 सेमी है और इसके केंद्र पर, यहां इसके केंद्र पर 17 है, यहां पर आवेश रखा गया और उसका मान 17.7 pC है। तो इसके प्रत्येक सतह से घन की कितनी सतह होती है 6 सतह होती है ना, मतलब जो पृष्ठ होता है, तो उस 6 से प्रत्येक सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसकी गणना आपको करना है। चलिए देखते हैं। पहले हम ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि पहले पूरे घन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए उसका निकालना है, उसको निकालना है कि पूरे घन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे जितनी उसकी सतह होती है उतने से हम डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक सतह से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है Q का मान दिया है कितना 17.7 pC दिया है। क्या दिया है pC दिया है। और क्या दिया, और भुजा, ये इसका जो भुजा का माप दिया वो 10 सेंटीमीटर दिया लेकिन इसका यूज हमको नहीं है। अच्छा ये यहां समझना है 17.7 pC दिया है तो हम इसको किसमें बदल लेते हैं, कूलाम में बदल लेते हैं। कूलाम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जब पीको कूलाम होता है तो हम पीको कूलाम में 10^-12 का गुणा कर देते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, कूलाम में बदल जाता है। और एक चीज और भी है, जब हम फार्मूला लगाएंगे ना ये लिखेंगे कि घन घन पूरे घन से, आप कर सकते हो ऐसे कि पूरे घन से निकलने वाला या गुजरने वाला निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसका फार्मूला हम लोगों को पता रहता है कि फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको किस किस की जरूरत पड़ेगा, एक तो आवेश क्यू का जरूरत पड़ेगा जो कि दिया है और एप्सिलॉन नॉट का जरूरत पड़ेगा। तो आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 8.85×10^-12 coulomb² / Nm². ये होता है। तो अब इसी में रख दीजिए आंसर। क्या करेंगे आप,
यहां से देखिए यह हो जाएगा Q का वैल्यू आपको कितना रखना है 17.7 × 10⁻¹2 बटे, अब कितना ये नीचे दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻¹2। अब सॉल्व कर दो तो ऊपर भी 10⁻¹2 नीचे भी 10⁻¹2, तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया। अच्छा एक चीज और भी देखिए, ये बचा कितना 17.7, हम अपने से यहां चाहे तो चाहे जितना आगे जीरो बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि दशमलव के बाद जितना भी जीरो बढ़ा है कोई मतलब नहीं होता, जैसे यहाँ जो क्यू का मान है 17.7 है ना, तो हम जीरो जीरो चाहे जितना बढ़ाए कोई मतलब, तो हमने केवल एक जीरो बढ़ाया। तो अब दशमलव के दो अंक के बाद यहाँ भी है, दशमलव जो है दो अंक के बाद यहाँ भी है, दशमलव दो अंक के बाद यहाँ भी है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1770 बटे ये हो जाएगा 885 हो जाएगा, ठीक है 885। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा, ये दो मिल जाएगा, कितना मिलेगा दो, यानी कि जो जो टोटल घन से सभी सतह से जो फ्लक्स निकल रहा है वह कितना निकल रहा है दो। और क्या चीज का मात्रक आप लोग लिखते हैं, तो इसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो अगर हमसे ये पूछा गया होता कि टोटल घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता, तो हम बताते 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। लेकिन हमसे एक सतह से प्रत्येक सतह से पूछा है तो हम लिखेंगे कि अतः घन के प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स जो फाई सरफेस होगा या फाई ई जो होगा वह क्या चीज हो जाएगा, तो ये दो आया हुआ, यानी कि फाई ई जो आप टोटल निकाले हो, या ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपने फाई टोटल निकाला उसमें आप किससे भाग दे देंगे 6 से। क्यों 6 से हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि घन के कितने सतह होते हैं 6, तो 6 से जो निकल रहा है वो निकल रहा है 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो प्रत्येक का मतलब एक एक से पूछ रहा, तो एक से जो निकलेगा तो टोटल में आप 6 से भाग कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 2/6। फाइनली ये इसका आंसर 1/3 न्यूटन प्रति क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका आंसर है। यानी कि फाई का जो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो 1/3 है, ठीक है। अब से समझ लें, यहाँ जो चीज दिया हमने उसको नोट कर लिया, फिर ये देखा कि टोटल पूरे घन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलता है, तो गॉस का हमने नियम लगा दिया कि ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू का मान कितना, तो 17.7 × 10⁻¹2 कूलाम रख दिया, फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता रहता उसका 2 आ गया। अब ये टोटल के कारण है, अगर मान लीजिए इसी तरीके से पूछता कि इसके दो सतह से प्रत्येक से नहीं कितने दो सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो एक सतह से निकल रहा है 1/3, तो दो सतह से इसी में 2 का गुणा कर दिए 2/3 हो जाएगा, तीन सतह से कितना निकलेगा तो 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, तो इसी तरीके से चार सतह से कितना निकलता है तो 4/3, इसी में जितने सतह से कहेगा आप गुणा करते जाइए। फाइनली अगर कहा जाएगा 6 सतह से कितना निकलता है, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6/3 फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से नोट कीजिए, फिर एक सवाल और। अच्छा एक सवाल और लगाने से बढ़िया यह है कि कुछ चीजें हम लोग कंसेप्ट में सीख है, जैसे क्वेश्चन आता है कि यदि किसी पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव रखे गए हो, एक द्विध्रुव रखा गया है या n द्विध्रुव रखा गया हो, तो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि अगर मान लिया जाए कि यहां पर एक कोई पृष्ठ है और यहां एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, यानी कि माइनस क्यू रखा गया और प्लस क्यू रखा गया, तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि यदि किसी पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हो, तो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आप क्या करेंगे, टोटल अगर ये सॉल्व करेंगे, और सॉल्व में ये पहले हम क्या निकालते हैं,
हमको क्या निकालना है, फाई, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है टोटल आवेश है। तो यहां अगर देखा जाए तो पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, कुल आवेश, तो कुल आवेश का मतलब सबको जोड़िए तो यह क्या है माइनस क्यू और यह क्या है प्लस क्यू, तो मिलकर के कितना हो गया जीरो, यानी कि टोटल जो आवेश है इसके भीतर वह तो जीरो। देखिए आवेश अगर पूछा जाए तो जीरो नहीं है, टोटल आवेश नेट आवेश जो है वो जीरो हो गया। जब नेट आवेश क्यू का मान जीरो हो गया तो यानी कि फाई ई बराबर ये जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर यदि द्विध्रुव रखा गया है तो उससे के कारण निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। ये हो गया। एक चीज और भी नोट करने वाली बात यह है कि मान लिया जाए कि कोई पृष्ठ है, ठीक है, सपोज कर लिया जाए कि यह कोई पृष्ठ है, इस तरीके से एक आवेश यहां पर है, एक आवेश Q1 है प्लस दूसरा है माइनस का एक आवेश Q2 है और एक आवेश जो है इस पृष्ठ के भीतर है यानी कि यहां पर है Q3 है, ठीक है, ये प्लस का Q3 है। अब पूछेगा कि इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अब पूछेगा कि फाई ई बराबर वाट, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। जैसे एक पृष्ठ है इसके भीतर Q1 आवेश और माइनस का Q2 आवेश यहां है और बाहर क्या है Q3 है, तो पूछ रहा है कि फाई ई का वैल्यू। तो यहां पहली बात आप लोग ध्यान दें कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह किसके कारण होता है, कि पृष्ठ के अंदर जो आवेश रहता है उसी के कारण होता है, बाहर वाले के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो जीरो हो जाता है। यानी कि यहां जो आवेश बाहर रहता है उसका कोई रोल नहीं होता, यानी कि Q3 से कोई मतलब नहीं है। क्या होता है कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी कि उसके भीतर जो आवेश रहता है वह कुल आवेश देखा जाता है। तो यहां पर देखिए, तो यहां जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर यह क्या होता है क्यू नेट यानी कि कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फाई ई बराबर कुल आवेश कितना हो जाएगा इसके अंदर, देखिए ये Q1 है और माइनस का क्या है Q2 है बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे Q1 है तो ये भी क्या रहता है Q1 रहता है, ये Q है तो ये Q, 5 माइक्रो कूलाम ये है तो 5 माइक्रो कूलाम अगर ये भी हो रहता और एक प्लस दूसरा माइनस रहता तो ये Q1 माइनस Q2 का वैल्यू क्या हो जाता जीरो हो जाता, तो इसलिए ये जो वैल्यू होता वो क्या हो जाता जीरो। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट इसी तरीके से देखा, जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें कई आवेश हैं, ठीक है, एक कोई पृष्ठ है और इसमें बहुत सारे आवेश हैं, जैसे अगर मान लिया जाए कि इस तरीके से अगर मान लिया जाए कि एक कोई पृष्ठ है, इस तरीके से कोई पृष्ठ है और इसमें 2 कूलाम आवेश है, माइनस का 3 कूलाम आवेश है, फिर यहां मान लीजिए कि 4 कूलाम आवेश है, माइनस का 10 कूलाम आवेश है। अब पूछा जाए कि इससे निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर वो कितना होगा, तो सिंपल है, आप जानते हो कि फाई ई बराबर होता है क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट का मतलब जो इसके अंदर होता है सभी को जोड़ना होता है, तो आप लिखते जाओ, ये हो जाएगा 2 माइनस का ये 3 माइनस का 10 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85×10^-12 सॉल्व कर दीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो एक सॉल्व कर दीजिए तो जब इसका वैल्यू प्लस कर लो इसका वैल्यू माइनस ताकि अपना सही आ जाए, तो ये हो जाएगा प्लस और ये वाला वैल्यू क्या हमने लिख दिया माइनस। अब देखिए, तो अब देखो ये प्लस प्लस कितना हो गया 10 और 2 12 का प्लस हो गया, माइनस का 4 और 3 7 और 8.85×10^-12 यहाँ आप लिखेंगे 8.85×10^-12 सॉल्व करेंगे 12 में से 7 जाएगा कितना 5 5 और ये हो जाएगा 8.85×10^-12 इसी को सॉल्व कर दीजिए ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का आंसर हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि गॉसियस थ्योरम क्या होता है और गॉसियस थ्योरम को प्रूफ किया, उससे न्यूमेरिकल से जैसे पूछे जाते हैं वैसे हमने किया। अगले वीडियो में हम लोग अप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉसियस थ्योरम का, किसका उपयोग क्या है, ठीक है, पढ़ाई करते रहें और कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें, बस थोड़ा सा ये आप लोग करें कि सब्सक्राइब कर लिया करें और एक दूसरे को सेंड कर दिया करें। धन्यवाद।